वेलकम बैक। अरे ये कैमरा बार बार क्यों हिल जाता है भाई। एक बार साइलो कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि आप लोग को ऑडियो वीडियो जो है वो क्लियर तरीके से जा रही है नहीं जा रही है, ताकि मैं अपने सेशन को स्टार्ट कर पाऊँ। हेलो गाइस, वेलकम 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 टू द क्लास। कैसे हैं आप सारे लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे और लाइफ अच्छी जा रही होगी सभी की। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैम खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को फिलहाल पता चल चुका है कि इस वक्त जो हमारा सेशन है वो CHSL की एनालिसिस होने वाली है आप लोगों की। कैसा गया एग्ज़ाम? जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस को देखे हैं, मैंने आपके सवालों को देखे हैं, तो अभी सारे शिफ्ट के एनालिसिस जो है हम लोग करने वाले हैं एक एक करके, अभी सब कुछ देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने नोटिस किया है आज के क्वेश्चंस को देखो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने कल ही कर लिए थे, कल रात वाले सेशन में किए थे, परसों भी हमने किया था, और इसके अलावा हमने इससे पहले क्लास में भी बहुत सारे हम सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि यस मैम ये तो वही सेम सवाल है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपकी मास्टर क्लास की टाइमिंग है। अगर आप लोगों ने मास्टर क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डन डन डन। ठीक है, क्या कह रहे हैं तो मैम, इसके अलावा ये आपका टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। दिव्या त्रिपाठी मैम टेक्स्ट बुक क्लासेस की जो PDF होगी इस क्लास की, वो भी आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, यहीं पे मिल जाएंगी। अच्छा, सीजल वाले लोगों ने तो अपना चेक कर लिया होगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है वाला कंडीशन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए भाई तो देख लेते हैं। अरे 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 कहाँ कहाँ गया मेरी ये? हाँ गई। आइए आज का पहला सवाल जो है ये क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। ये आपका आज का पहला सवाल CHSL का, सारे शिफ्ट तीनों शिफ्ट के करेंगे। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है मैम ये कहाँ पे मिलती है? अब मैं तीन जगहों के नाम लिख रही हूँ। मैं लिखूंगी तमिलनाडु, चलो उधर जाके लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगी तीन जगहों के नाम, मैं लिखूंगी एक मैं लिखूंगी तमिलनाडु, नाडू नाडू नाडू, एंड द सेकेंड वन इज केरला, थर्ड वन इज कर्नाटका। अब बताओ कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो इनके साथ अपनी रेंज जो है यहाँ यहाँ पे शेयर कर रही है। तुम जो भारत का मैप देख रहे हो, कल पढ़ाया है इसके बारे में, भारत का मैप जब तुम देख रहे हो तो मैप में तुमको क्या दिख रहा है, उधर डेक्कन इस साइड पे जब तुम आ रहे हो इस साइड पे तुमको दिख रहा है और इस साइड पे तुमको दिख रहा है, दोनों साइड पर है ना भारत के मैप में। साउथ में तुमको यहाँ दिख रहा है वेस्टर्न, इधर दिख रहा है तुमको ईस्टर्न। डेक्कन तुम्हारा कहाँ पड़ जा रहा है, इधर, राइट तो क्या हो गया मैम, नीलगिरी हिल्स बोले तो मैम, नीलगिरी हिल्स। अब तक समझ में आ गया ये सारी चीजें? क्या बोला हमने मैम, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इसके बारे में। आगे देख लेते हैं, आपको बताना है कि अली अकबर खान जो थे किस जगह से एसोसिएटेड थे, हिंदुस्तानिक म्यूजिक से, किस म्यूजिक से, हिंदुस्तानी म्यूजिक। घराना बताओ जरा मुझे, सरोद से इनका नाम जुड़ा हुआ, लेकिन आप मुझे इनका घराना बताइएगा कि किस घराने से ये आपके जुड़े हुए हैं। बेटा बफरिंग नहीं हो रही है अपना, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, कोई बफरिंग नहीं हो रही है। मल्हार घराना डन, एनीवन एल्स? बाकी क्या हो गया, बाकी लोगों को जवाब नहीं याद आ रहा है क्या? मल्हार घराना, माहिर घराना, ठीक है मल्हार माहिर, ठीक है एक नया घराना जो है उसको डिस्कवर कर दो मल्हार के नाम से, ठीक है माहिर घराना, मल्हार घराना, बहुत बढ़िया बेटा। कॉपी करने वाले लोग गलत चीज़ों को भी बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी करते हैं इतना कि अगर तुमने उसकी गलत चीज़ को कॉपी किया तो तुम भी जवाब में क्या दोगे, गलत ही दोगे बढ़िया। आगे देखो अगले सवाल की तरफ, पूछ रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद में कौन कह रहा है डबल जुपार्डी के बारे में। डबल जुपार्डी नहीं दे सकते हैं आप किसी को, एक्चुअल में ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है। कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है डबल जुपार्डी, क्या कहता है डबल जुपार्डी, एक ही क्राइम के लिए तुम दो बार सजा नहीं कर सकते, फॉर द सेम क्राइम यू कैन नॉट पेनलाइज द पर्सन अगेन। सेम क्राइम के लिए तुम उस पर्सन को दो बार दिन तो सजा नहीं दे सकते हो, जैसे कई लॉयर्स हो जिनको, अब लॉयर को तो पता होता है कि क्या चीज़ है,
तो अच्छा ठीक है, एक थप्पड़ मारे तो दो तीन थप्पड़ और मार देते, सेम ही सजा होनी है, वो वाला कंडीशन है, डबल जिपार्डी सेम केस के लिए नहीं है। अब मैं तुम्हें ज़्यादा तरीके नहीं बताऊँगी वरना तुम लोग आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ये है, कोई भी इंडिविजुअल को आप ऐसे बार बार सेम ऑफेंस के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उसको एक बार सज़ा उस चीज़ की हो चुकी तो वैसे ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत डीप में जाता है चीज़ें, और भी इसके अंतर्गत बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी तुम लोग को नहीं बता रही हूँ क्योंकि तुमको उतना लॉ पढ़ना नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तुमने केस फाइल किया, अब ए के खिलाफ, मान लो तुमने एक्स के खिलाफ केस फाइल किया, फिर तुम भूल गए कुछ फैक्ट्स को इंक्लूड करना, भूल गए, तुमने दोबारा फाइल किया उस फैक्ट के साथ ए के खिलाफ, तो क्या ए को सज़ा होगी? अगर ए छूट चुका है जेल से और तुमको कुछ फैक्ट्स याद आए जो तुमने पहली बार केस में फाइल नहीं किया था, तो क्या उसको होगी? है ना? नो। चलो ठीक है, ये हम पहली बार अपन क्लास से करवा चुके थे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 जो है ये तुमको डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार देता है। ये आपका कभी भी कैंसिल नहीं होता है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर भी याद रखिएगा, राइट टू लाइफ है ये आपके लिए। आर्टिकल 22 अगर हम बात कर रहे हैं, क्या बोला मैम हमने? आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 बउआ बताओ जरा। ये रेसिंग कार कौन चला रहा है? मुझे भी नहीं पता चला कि रेसिंग कार कौन चला रहा है। नहीं नहीं नहीं, 23 है आपको एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, मानव तस्करी, फोर्स लेबर, कल एक एक करके पढ़ाया था सभी को, राइट टू एजुकेशन कह रहा, थप्पड़ मारूंगी मैं खींच के, राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 ए में। क्या है आर्टिकल 21 ए? 22 एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी, person who is in custody has to be informed why he has been arrested। तो अपना legal practitioner रखने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? legal practitioner रखने का अधिकार किसके अंडर आता है? legal practitioner रख सकता है, ये बिल्कुल रख सकता है। आगे देखो ना, 25 फरवरी सिंगापुर में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग, 27 साल के इनको आपकी मणिपुर पुलिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट भी दिया गया स्पोर्ट्स में। ऑब्वियसली हम बात करें कि इनके बारे में, बताइए मीराबाई चानू के बारे में, किनके बारे में? मीराबाई चानू के बारे में। 55 kg में था इनका, कितने में था मैम? 55 kg। अरे तो पतला क्यों लिखा था, अब क्या हाइलाइटर से लिखना पड़ेगा क्या? हाँ ये सही था। किस वाले कैटेगरी में था मैम? इट वॉज इन 55 kg वाले में। डन। अरे मिक्सर ग्राइंडर इस वक्त कौन चलाता है भैया? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड बाय विलियम रैमसी के द्वारा, ये डिस्कवर किया गया था? आर्गन, नियोन, ज़ियोन। मैम ऑल ऑफ द अबव, इजी है, आगे बढ़ो। अगला सवाल आपको बताना है कि न्यूट्रल पॉइंट जो क्रिएट किया जाता है, क्या कहा हमने? जो न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट किया जाता है मैग्नेटिक बार से, क्लास 7th का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक बार से ये अलाइन किया जाता है नॉर्थ पोल से, ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ से, तो ये कितनी संख्या इसकी क्या हो जाएगी? जो हम तटस्थ बिंदु बनाएंगे एक या दो होगी? इट विल बी, अरे मार खाओगे एक दिन पकड़ के। अरे बेटा आवाज वो चली गई है, उस आवाज से चिंता मत करो, आवाज वो चली गई है। हाउ मेनी डेज जो है मनरेगा कितने दिनों की आपको गारंटी देता था? मनरेगा में तो बेरोजगार भत्ता भी मिलता था 100 रुपए, कितना, सॉरी मैंने जवाब बताने के चक्कर में तुम लोगों को रुपए बता दिए, बेरोजगार भत्ता भी मिलता था ना, कुछ रुपए का था ना। मैम आपका ड्रीम सिंगापुर है और मेरा डिज्नी। मेरा ड्रीम सिंगापुर क्यों होगा बालक? आई विजिटेड सिंगापुर मोर देन 20 टाइम्स चाइल्डहुड से लेके अब तक, तो मेरा ड्रीम क्यों होगा सिंगापुर? चलो कितने दिन कहा मैम? 100। क्या बोला मैम? मनरेगा प्रोग्राम चला था कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए।
रोजगार दिया जाएगा आपको, हर जगह में आपको रोजगार मिलेगा, चिंता नहीं। इतने आसान आसान सवाल थे, अगर कसम से बोला कि मैम सिलेक्शन नहीं तो बहुत मार मारेंगे पकड़ के। ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट जो है ये किस एरिया में पाया जाता है, जहां पे बारिश कितनी होनी होगी, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, मैं किसी भी जगह को डेजर्ट कब बोलूंगी, मैं किसी भी जगह को डेजर्ट कब बोलूंगी, आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? अभी आवाज आ रही है? ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। क्या बोला इसके बारे में मैम? साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, क्या काम है इसका बताओ भाई, क्या काम है इसका? जल्दी बताओ, फटाफट तरीके से। अभी जस्ट मैंने बताया, चाहे आपका साइंटिफिक रिसर्च का काम है, फॉरेस्ट का काम है, वाटर रिसोर्स का काम है, हर एक चीज। नेक्स्ट वन, ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंडिया बिकम द 77 चेस ग्रैंड मास्टर? 77 चेस मास्टर जो हैं आपके इस बार कौन बने हैं? हमने अपनी सुबह 8 बजे की क्लास में इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को करवा के रखा था, जल्दी बताओ। यार पता है तुम लोगों को ना, सही बताओ तो वॉइस में कोई इशू हो रही है या नौटंकी अलग से मचा के रखे हो? आदित्य मित्तल, सुबह सुबह वाली क्लास 8 बजे में हमने ऑलरेडी इसको करवा के रखा था। आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। पेलग्रा जो है ये कॉज होता है किस विटामिन की कमी से, ये कॉज होता है, जल्दी से बताएंगे सारे लोग फटाफट तरीके से। जल्दी 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 मैम, B3 मैम, विटामिन डी। अब जो है ये क्या आया है? डी आया है, जिनका जो अब डी आया है उनका गलत है। पेलग्रा कब किसकी वजह से होता है मैम? B3 की वजह से होता है। अच्छा एक बात मुझे बताना, इसमें से रेटिनॉल किसका नाम है?
इसमें से रेटिनॉल जो है, ये रेटिनॉल किसका नाम है? फटाफट तरीके से बताइएगा, रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं? कमेंट बॉक्स। वृद्धेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में बनाया गया है, इसके बारे में बताना है आप लोगों को कि किसने बनाया है। चोल वंश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या कह सकते हो, चोल वंश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, या आप इसको उसके एक मॉन्यूमेंट के तौर पे देख सकते हैं। 2010 में इसका शायद लगता है मुझे 1000 साल पूरे हो गए थे। राजा फर्स्ट किन के द्वारा? राजा फर्स्ट। अच्छा मैम, किस भगवान का मंदिर है ये? किस भगवान की पूजा होती है? भगवान शिव का मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है? अगर भगवान का नाम पूछ रहे थे किस भगवान को पूजा जाता है, शिव भगवान को, विष्णु भगवान को, तो आपको ध्यान में रखना है। भैया देखो, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरी आंखों में डार्क सर्कल्स होने लगे हैं, क्या हो गया मुझे? शिव। बस्तर दशहरा, MTS का क्वेश्चन है ये, MTS में भी ये पूछा गया है आप लोगों से। बस्तर दशहरा जो है उसमें पूछा गया था किस जगह का त्यौहार है, तो बस्तर दशहरा जो है ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है 75 दिनों तक। कहाँ का है मैम? छत्तीसगढ़। कहाँ का है मैम? छत्तीसगढ़ का ये त्यौहार है जो मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? डन। कौन झारखंड लिख रहा है बेटा? जो आज मुंडा आया था ना, मुंडा फेस्टिवल, तो मुंडा फेस्टिवल जो है वो मुंडा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, तो वो झारखंड का है ये, नहीं। आगे ध्यान दो, आपको बताना है फुटबॉल में जो आप कहते हो गोल पोस्ट, तो इसमें कितनी दूरी पर आपको मिड पॉइंट, कितनी दूरी पर पेनल्टी जो है ये आपका लगता है, बताइएगा फटाफट तरीके से। 11, गुड, वेरी वेरी गुड, 11 मीटर। नेक्स्ट वन, कौन सा आर्टिकल जो है संविधान में, ये कल रात वाली क्लास में हमने करवाया था इसको, जो मैं तुम लोग को आर्टिकल याद करवा रही थी, कौन सा आर्टिकल जो है संविधान में ये कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि आप रेस कीजिए लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको आप रेस कीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप इंक्रीज कीजिए, पब्लिक हेल्थ को आप इंक्रीज कीजिए, ये कौन सा आर्टिकल जो है ये कहता है? वर्मा जी परेशान मत कीजिए, कसम से ब्लॉक हो जाएगा। क्या रूपाली रूपाली करके ड्रामा कर रहे हो? 47 47। और क्या बोलता है? इस बात का ध्यान रखिए कि इंटॉक्सिकेशन जो है आपके लोग शराब ड्रग्स ऐसा कोई भी इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक के चक्कर में ना फंस जाए। इतनी बात समझ में आ गई? यस। एक बात बताओ, स्टेट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? स्टेट का डेफिनेशन जो है ये स्टेट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। आगे देखो, अगले सवाल की तरफ, जहां आप लोग लगता है कि मैम स्लो हो जाइए फास्ट जा रही है क्लास, तो बताइएगा मुझे। अगला क्या कह रहा है? कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पूछा है। कैश रिजर्व रेशियो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? कितनी बार क्लास में समझाया था इसके बारे में? एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है SLR। अब इन दोनों का डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि बैंक को एक्सेस रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है RBI के द्वारा जो निर्धारित है, तो बैंक को मेंटेन करना होता है नगद में। जैसे SLR में क्या होता है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, कैश में मेंटेन करना होता है, बॉन्ड से मेंटेन करना होता है, गोल्ड में मेंटेन करना होता है। इसमें आपको जो मेंटेन करना होता है ये आपको कैश में ही मेंटेन करना होता है, और ये क्या हो गया मैम? मॉनेटरी अथॉरिटी है। इज डिटरमाइंड बाय होम? मॉनेटरी अथॉरिटी। इसको डिटरमाइन कौन करती है हमेशा? हे भगवान, कमर्शियल बैंक क्यों डिटरमाइन करेगी मेरा बच्चा, क्या हो गया तुम लोगों को? कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना है। कमर्शियल बैंक वो बैंक हैं जो RBI एक्ट के शेड्यूल 2 के अंतर्गत आते हैं। दोज आर नोन एज अ कमर्शियल बैंक, तो दे आर हैविंग द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन दिस CRR। व्हाई विल दे डिसाइड? उनको मेंटेन करना है SLR, CRR। ये मॉनेटरी अथॉरिटी बताएगी ना कि आपको कितना मेंटेन करना है, RBI बताएगी ना भाई? क्या कह रहे हो यार तुम लोग, कुछ भी बोले जा रहे हो। चलो, सबसे पहला किस वर्ष में रेडियो कार्यक्रम जो है इसको प्रकाशित किया गया था?
टेलीविजन को रेडियो से अलग कब किया गया था, उसके बाद इसका जवाब दोगे। कब अलग किया गया, सॉरी कब स्टार्ट किया गया था पहले ये बताओ। 27, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आज एक नंबर और गवा के आए हो। 1923, अब मुझे बताओ टीवी से रेडियो को अलग कब किया गया था, टीवी से रेडियो को अलग कब किया गया था, टीवी और रेडियो को अलग कब किया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जल्दी से। ओके 1976 में अलग किया गया था, राइट। वेरी गुड, 1976 में क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। इसके बारे में बताइएगा किस राज्य में सुबह 8 बजे की क्लास में करवा रखा है, और मुझे लगता है मैंने बहुत बार करवाया है इस क्वेश्चन को। आवाज आ रही है तुम लोगों को? मैम अगर 2 मिनट पानी पी लें, अगर तुम लोगों ने बवंडर बांध देना होता है। मैम आवाज नहीं, मैम आवाज नहीं, मैम आवाज नहीं। क्या बोला? हेल्थ बिल। कितना प्रोटेस्ट हुआ था सुबह 8 बजे क्लास में, हमने इसको करा था एटीएम क्लास में, हमने इसको करा था। क्या बोला गया था कि जितने भी इमरजेंसी के मामले आएंगे भैया आपको फ्री में इलाज करने की बात कही गई थी। क्या बोली गई थी? फ्री में इलाज करने के बारे में बात कही गई थी। यहाँ पे यहाँ तक बात समझ में आई, हमने करवाया था इसके बारे में। राइट टू साइट ये कौन लेके आया था? क्या बोला हमने? राइट टू साइट ये कौन राज्य लेके आया है बताइएगा। जल्दी 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 जल्दी। मैम राजस्थानी लेके आया है, राजस्थानी लेके आया है, गुड, राजस्थान लेके आया। इसमें काफी प्रोटेस्ट हुआ था राजस्थान में, तुमको याद होगा इस बात को लेके। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने पे उतर आए थे कि भैया सारी चीजें तो इमरजेंसी होती है, बुखार हो गया वो भी इमरजेंसी है, सारी चीजें तो इमरजेंसी के अंतर्गत आती है, ध्यान दोगे। क्रूड बर्थ रेट जो है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर डैश ईच ईयर, यार देखो जब भी कुछ कैलकुलेट किया जाता है बर्थ वाला बात, तो 1000 प्रति वर्ष जीवित जन्मों की संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? यस, क्लियर। ये तो काफी काफी इजी सवाल आए हैं। हॉर्नबिल, ये लगता है मुझे कितनी बार रिपीटेड हो चुका है, इसका अगर मैं स्टार मार्क करने जाऊंगी तो जगह जो है वो पूरी तरीके से भर जाएगी, है ना? बताओ यार, आज मैंने खाना भी नहीं खाया। जवाब दो। नागालैंड, 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 इसको फेस्टिवल्स का फेस्टिवल बोला जाता है। सुबह 8 बजे वाली क्लास में करवाया है, 4 बजे वाली में भी करवा रखा है, 9 बजे वाली क्लास में भी करवा रखा है। इसको क्या बोलते हैं? फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं, त्योहारों का त्योहार, यानी देवों के महादेव, देवों के देव महादेव कैसे बोलते हो वैसे ही। नागालैंड आसाम से किस साल में अलग हुआ है? मैं खाना खाते खाते लेक्चर देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बताइए। 1 से 10 दिसंबर, ठीक है।
गाइस शेयर द क्लास। नागालैंड किस साल में अलग हुआ है? आगे 1963। चलो SI यूनिट जो है आपका क्या है लेंस का, फटाफट तरीके से। डन। जल्दी 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 जल्दी। वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा, उम्मीद से परे जवाब दिया तुम लोगों ने, मुझे लगा इस बार कोई तो गलत करेगा। आपको बताना है कि द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, पीतल के घटक कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। पीतल के घटक मैं किसको बोलूंगी, मैं जिंक को बोल सकती हूँ, ठीक है मैम, एक हो गया जिंक, फाइनल हो गया। अच्छा आयरन नहीं, कॉपर होगा, लेकिन कॉपर के साथ निकल आ जा रहा है, तो जिंक और कॉपर एक साथ हो गया आपका, ये क्या हो गया, पीतल के घटक हो गया। अब पीतल का शहर किसको बोला जाता है, पीतल का शहर किसे बोला जाता है, जिस जगह का पीतल सबसे अच्छा पीतल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ कोई पीतल वीतल लेना होता है यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। पीतल का शहर किसे बोला जाता है? मुरादाबाद। पीतल का शहर बुलाते हैं मुरादाबाद को, क्या बुलाते हैं, पीतल का शहर मुरादाबाद, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, रिसेंटली दोबारा सुनो, MH-60R हेलीकॉप्टर जो है ये बनाया गया आपकी मेडन लैंडिंग ऑन द INS विक्रांत पे, किस कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री द हेलीकॉप्टर वॉज डिलीवर्ड टू इंडिया। हम जनरली जो अपना हथियार का जो करते थे बिजनेस, वो हम हथियार किससे लेते थे, रशिया से लेते थे, तो बहुत ट्रस्टेड होना होता है। और फ्रांस से हमने सबमरीन्स ली थी, 6 सबमरीन्स हमने फ्रांस से ली थी, जो कि लास्ट ईयर का बहुत बड़ा आपका करंट अफेयर था। ये जो है ये कहाँ से हमने लिया, ये आपकी इस बार हमने USA से लिया था। कहाँ से आपकी, USA से हमने बनवाया था इसको। अब समझ में आता है कि जो क्लास में कहते थे अरे मैम ये क्वेश्चन करवा रहे हो, मैम वो क्वेश्चन करवा रहे हो, अब समझ में आ रहा है, जब क्लास जब क्वेश्चंस बन जाते तो समझ में आता है कि क्लास में सारे सवाल करवाए हुए थे। अब ध्यान दो, इनमें से कौन सी किताब जो है ये लिखी गई है आपकी इंडियन फॉर्मर इंडियन प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा, ड्रामेटिक डिकेड, माई कंट्री माई लाइफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इट्स मार्टिन कॉर्पोरेशन USA का, जिसने बना के दिया है। जवाब क्या हो गया सबका भाई, जो लोग बी जवाब दे रहे हैं इतना तुक्का मत मारो बेटा, द ड्रामेटिक डिकेड, द ड्रामेटिक डिकेड। अब एक बात मुझे बताओ, बहुत रीसेंट है, दो बातें मुझे बताओ, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। अब चूंकि एक सवाल ही पूछा गया मैडम इंदिरा नेहरू गांधी जी के ऊपर इन्होंने लिखा था, तो मैं पूछ लेती हूँ, बाबा राव से जुड़ा हुआ भीम राव अम्बेडकर, इनके ऊपर किताब कौन लिख रहा, किसने लिखा है, भीम राव अम्बेडकर इनके ऊपर किताब किसने लिखी है, दो फेजेस में बुक को लिखा गया है, बताइए। मैम डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, शशि थरूर, गुड, भीमराव बाबा राव अम्बेडकर के ऊपर लिखा गया है और दो तरीके से इसको डिवीजन किया गया है, गुड। चित्तगांव आर्मरी रेड जो है इससे किसका संबंध है, कल परसों तरसों और ना जाने कितनी बार इस सवाल को हमने कराया है, 1930 कहा ना कि कैसे सवाल पूछता है कि किसकी शहादत के बाद कंप्लीट तरीके से शहादत गतिविधियों पर, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लग गई थी, जब इन्होंने सब कुछ ही अलग कर दिया था ब्रिटिश रूल से, इन्होंने अपनी रेलवे कनेक्टिविटी पहुंच सबसे दूर कर दिया था, वहां के लोगों को ट्रेन भी कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूर्यसेन सूर्यसेन सूर्यसेन, डन, सूर्यसेन। पता है क्या होता है, जिस दिन मुझे लग रहा होता है कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, आई एम वेरी मच टायर्ड,
अच्छा नहीं लग रहा है, सुकून नहीं लग रहा है, और मुझे थोड़ा सा वियर्ड वियर्ड लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं साइड हो जाती हूँ कैमरे से, ये वो। तो उस दिन कोई ना कोई आके कमेंट बॉक्स में लिखता है मैम कौन सा फिल्टर यूज़ कर रहे हो। ऑटोमेटिकली तुम लोग पता है क्या करते हो, मेरे को अच्छा फील करवा देते हो। जब ये बोलते हो मैम कौन सा फिल्टर यूज़ कर रहे हो, तो अच्छा लगने लगता है फिर मेरे को कि ओके आई एम लुकिंग गुड, थैंक यू, आगे बढ़ो नालायक कहीं के। इनमें से एक व्यक्ति का नाम बताओ जो कि तुम्हारे पब्लिक बिल के खिलाफ जो बॉम्ब फेंका गया था दिल्ली लेजिस्लेटिव पे उसकी चलो बताओ, तो इनमें से कौन से व्यक्ति जो है ये उससे जुड़े हुए हैं? बटकेश्वर दत्त। एकदम ऐसे ही फास्ट जवाब दिया जाता है। अरे गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नेक्स्ट वन। पद्म भूषण अवार्ड 2011 में किसे दिया गया है? फटाफट तरीके से बताओ। ना 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 ना, मैं हैप्पी विद दिस झूठ, आई एम रियली हैप्पी विद दिस झूठ, अगर लोग कह भी रहे हैं तो। पद्म भूषण, इसका मतलब ये होता है कि हर बुरी चीज में ना अच्छी चीज है, उसको ढूंढ लो, उसको निकाल लो। हेमा मालिन। गलत। वाहिदा रहमान। किसको दिया गया है? किस अभिनेत्री को? वाहिदा रहमान को दिया गया है। डन। हेमा मालिन के राज्यसभा में बैठी हुई है भाई। अगला। भारत संविधान में कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने के लिए मातृ राहत, भाई कह रहा है कि प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ हैज बीन इंट्रस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द फॉलोइंग। बताइए मैंने क्या बोला कि अगर ये जारी हो गया ना तो सबके लिए भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी अगर जारी हो गया तो ये वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। डीपीएसपी टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ स्टेट। मुझे बताओ ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ऑफिसेज में जो आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपको क्या मिलता है? एक लीव का टेन्योर होता है, आई गेस 20 दिन 25 दिन का एक टेन्योर होता है जो आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। खैर ध्यान दो, तो ये जो प्रोविजन है कि आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखना कि सेफ़ हो, ह्यूमन कंडीशन हो, जैसे नॉर्मल ह्यूमंस पाए जाते हैं। जैसे हमारे कमेंट बॉक्स में अधिकतर टाइम पे ह्यूमंस तो बिल्कुल पाए नहीं जाते हैं, मानव प्रजाति के लोग मुझे लगता नहीं कभी पाए जाते हैं। एक बहुत ही स्मार्टली कह रहा 3651, मैंने पूछा इसका आर्टिकल बताओ। फोर्टी टू ठीक है, क्या बोला मैम? डीपीएसपी इट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ स्टेट, भाग 4 में आपके इसके बारे में जिक्र किया गया है। डन। बेटा नहीं कर रहा बफरिंग, मेरे को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है मेरी सेशन। नेक्स्ट वन। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किस भारत राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है ट्राइब्स की? मतलब हज़ार बार से ज़्यादा मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले से पढ़ा रखा होगा। बताइए क्या कहा मैम? मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हैं। क्या क्या है मैम, लिख देते हैं एक बार उस साइड। भाई कितनी बार करवाया है क्लास में? सबसे ज्यादा ट्राइब्स मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, क्या हो गया मुझे, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सबसे बड़ी ट्राइब है 2011 सेंसस के हिसाब से, सबसे बड़ी ट्राइब भील, और 2023 अब तक में सबसे बड़ी ट्राइब है गोंद ट्राइब है, ठीक है। भील ट्राइब 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से और सबसे बड़ी ट्राइब है, और अभी रीसेंट अगर देखा जाएगा तो रीसेंट क्या है, रीसेंट है दो गोंद ट्राइब है। यहाँ तक समझ में आई बातें? ये समझ में आया? अब सुनो, ये आपका हो गया। दूसरा 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 नेशनल पार्क, यहाँ की लाइफलाइन नदी कौन सी है? लाइफलाइन रिवर मैम कौन सी है? तो लाइफलाइन रिवर है इसकी नर्मदा। गाइस अरे तुम लोग को जोश की कमी क्यों दिख जाती है कभी कभी मुझे। ओके अब अगले सवाल पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डन। चलो ठीक है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? ये बोल बोल के तो हम लोग को नमक बेचा गया है। द
2-4 रुपए में, 2-3 रुपए में मिलने वाला नमक का पैकेट 20-20 रुपए में बेचा गया है। लोग खाएंगे कैसे? कुछ तो अलग डिश वॉशर अपने घर में लेके आए, क्योंकि आप बर्तन नहीं धो सकते हैं। और आजकल सच में यार मेड नहीं मिलती है बॉस। अरे भाई साहब, 10,000 रुपए भी दे दो कि भैया खाना बना दो, ये कर दो, स्टिल नहीं मिलेंगी। लोग काम नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है बीते वक्त के साथ ना लोग सच में काम नहीं करना चाहते हैं। कितने भी पैसे दे दो भैया, अलग लेवल के। तो मुझे लगता है डिश वॉशर लेके आया गया, क्योंकि ये आपको 70 डिग्री के टेम्परेचर पे आपके बर्तनों को धोती है। अच्छे से अरेंज करके उसमें रख दीजिए और बर्तन आपके धुल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ध्यान दो, आयोडीन टेस्ट। तो लोगों को कुछ तो अलग अलग बताना होगा तभी तो। योगेश, आपके अंदर अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है थोड़ी भी बची कुछ भी, तो प्लीज़ 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 मत कीजिए ये काम जो आप कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है प्रपोज करने की, दुबई के बारे में ये करने की वो करने की। पढ़ लो, ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की तरफ। फ्यूगेटिव इकोनॉमी ऑफेंडर्स एक्ट जो है मैम, इसको कब पास किया गया था? ये मैंने रात की 9 बजे की क्लास में आप लोगों को पहले करवाया भी था। बताओ भैया, क्या है फ्यूगेटिव इकोनॉमी ऑफेंडर्स? व्हाट इज फ्यूगेटिव? जल्दी 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 जल्दी, मैंने करवाया था। एक एग्जांपल दो, एक व्यक्ति का एग्जांपल दो, जो इतना लोग पैसा लेके भाग जा रहे थे, इतने लोग, और वहां से बाहर से यहां तक लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करने की जरूरत पड़ेगी। लोगों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करनी पड़ेगी। अब जैसे लंदन में क्या है कि अगर आपने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो आपको अपने यहाँ पर रख लेते हैं, वो आपको अपना लेते हैं, अपना मान लेते हैं। कैसे होता है कि दहेज देने के बाद भी लोग आपको अपना नहीं मानते हैं, लोग जान से मार देते हैं और दहेज के चक्कर में। लंदन उससे बेटर पोजिशन पर है, पैसे कमाओ, लंदन चले जाओ। ध्यान सुनो, क्या कहा हमने इसके बारे में आपको? तो कहने का मतलब ये है कि दहेज लोभियों से दूर रहा करो। और इसका मतलब ये है क्योंकि दोनों पैसे लेके ही भागने वाले लोग होते हैं कंपेरेटिवली। नीरव मोदी, विजय माल्या इससे पहले थे। तो जाके फाइनली 2018 में एक्ट लाया गया, बोला भैया अब आप लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। तुमने देखा पाकिस्तान के मैक्सिमम PM जो होते हैं उनको तो सज़ा होती है हटने के बाद पोजिशन से, लेकिन वो भाग के कहाँ जाते हैं? सब लंदन जाते हैं, सब के सब भाग के कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। आओ क्या कह रहा अगला, अरे गदर पार्टी बताओ फाउंडेड वेन, कितनी बार क्लास में करवाया है इसको? गदर पार्टी, लाला हरदयाल, है ना? लाला हरदयाल कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसको गठन किया गया था। गदर पार्टी ने एक गदर जर्नल भी लेके आए थे। क्या लेके आए थे? एक गदर जर्नल भी आपका ये लेके आए थे। बात समझ में आई? उर्दू भाषा में, वेरी वेरी गुड। किसमें? उर्दू भाषा में। पहली जर्नल जो लाई थी इन्होंने वो उर्दू भाषा में लेके आई थी। एक कह रहा आई एम यूट्यूब, बेटा तुमको ये बोलना चाहिए आई एम यूट्यूबर बोलना चाहिए, तुम शायद वो बोलना चाह रहे हो। कह रहा आई एम यूट्यूब, दैट्स ग्रेट। यूट्यूब आई फ्लू है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम में टाइम है, कब है एग्जाम? 4 तारीख को है ना। आई ड्रॉप ले लो, जाके बोलना मेडिकल स्टोर में आई फ्लू हुआ है, एक दिन में भी हील हो जाएगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। चश्मा ला के आराम से, पूरी टाइम चश्मा ला के रखो, धूल मत जाने दो, और आई ड्रॉप लो अभी जो फ्लू के लिए चला है, बिल्कुल से एग्जाम जाके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा स्टेट जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका मैम? आयरन का। 8 AM वाली क्लास में हो रखा है ये। ओडिशा। एक यहाँ करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है ओडिशा से, कि 2020 में यहाँ का कोल फील्ड जो है उसको शुरू किया गया, कमर्शियली शुरू किया गया 2020 में। यहाँ का एक कोल फील्ड जो है कोयले का उसको शुरू किया गया, है ना? मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, क्यों? क्योंकि मुझे डांटने का मौका मिलना चाहिए, कि जब मैंने करवाया है और फिर अगर तुम गलत करके आए हो एग्जाम में तो बेटा फिर बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और कोयले के उत्पादन में किसके बारे में कहा? कोयला में, कोल में झारखंड है। आगे देख लो, मनसबदारी प्रणाली। अब बताओ ये कितनी बार करवाया है क्लास में?
तुम लोग का अधिकार बनता है कि तुम लोग गलत करके आओ एग्जाम में। गजनी बनो, मैं सर फोड़ के आऊंगी तुम लोग का। गजनी बन के आओगे एग्जाम में तो दिमाग खराब। मनसबदारी अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदार जो है किससे लिया गया? मंगोलों से लिया गया था, उधार लिया गया या कॉपी किया गया, जो भी कह लो। मनसबदार क्या होता था? पोस्ट होता था। इवन मैंने इतना भी तुम लोगों को समझाया था कि कैसे जागीरदार की पोजीशन गिरती जाती है एक टाइम पे और मनसबदार की पोजीशन उठती जाती है ना। और अकबर से जुड़ा हुआ क्या क्या बताया था हमने आपको कि अकबर जो है ये दिन इलाही नाम का धर्म लाना चाहता था जो कि यूनिवर्सल फेथ और ब्रदरहुड पे डिपेंडेंट। दूसरा, इलाही नाम के सिक्के लेके कौन आया था? इलाही मेरा दिल गया गया वाला माफिक, इलाही नाम के सिक्के लेके कौन आया था? ये आया था। ठीक है बेटा, जीडी का लगाना है प्रीवियस ईयर, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। वहाँ लाइव टेस्ट में जाओगे ना, जो आपकी टेस्ट बुक पे जो एप्लीकेशन डिज़ाइन है, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक्चुअली उसमें आपके मॉक टेस्ट है। और अगर प्रीवियस ईयर दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर ही शामिल होते हैं उसमें, ध्यान दीजिएगा। तापू डांस जो है ये बताओ, तापू डांस कहाँ का है? वहीं का जिसकी स्टेट लेजिस्लेटिव ने अभी अपना फ्लावर एम्बलम बनवाया है, जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी दिहंग दिहंग के नाम से जा रही है, गुजर रही है, उसी जगह पे जिस जगह को मैकमोहन लाइन, मैकमोहन कन्वेंशन याद है, एक लिख रहा मैम गमोचा किस राज्य का है? गमोचा नहीं पढ़ाए किस राज्य का है, जीआई टैग मिला है गमोचा को, तेजपुर लीची को पढ़ाए हैं। चलिए डन, मूंगा सिल्क, गमोचा, जुड़ीमा राइस वाइन, हाँ गुड आसाम ना। विच ऑफ द फॉरेन टीम क्राउंड विद द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023? किसने जीती 2023 के सुबह 8 बजे वाली क्लास में? मैं कसम से बता रही हूँ, मैं बहुत मार मारूंगी तुम लोगों को। कितने लोग आज गए थे एग्जाम देने सीएचएसएल का? हाथ उड़ाओ, मैं सबका नाम लिख के रखूंगी, फिर पूछूंगी जीएस में कितना। 8 बजे की क्लास में जब मैं करवा रही थी बुक्स ऑथर के साथ कुछ करंट अफेयर्स के, मैं तुमको लोग सवाल करवाए थे, तब मैंने ये पढ़ाया है सुबह 8 बजे, जब स्टैटिक का पार्ट चल रहा था तुम्हारा उस दौरान पर। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, इनमें से बताओ कौन सा जो है लॉ ऑफ मोशन नहीं है, फटाफट तरीके से। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ट्रू, बट ये पूछ रहा है नॉट अ लॉ ऑफ मोशन, सर नॉट अ पूछ रहा है ना। अ बॉडी स्टेज इन रेस्ट ऑफ मोशन अनलेस फोर्स अवेलेबल, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स पोजेसेस द ग्रेविटी, क्या सारे ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में क्या सब ग्रेविटी पोजेस कर रहे हैं? सारे ऑब्जेक्ट, नो मैम, कि कौन 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 है जो ऑल ऑफ द अबव कहा है? एक व्यक्ति है जो ऑल ऑफ द अबव कहा है, नेक्स्ट वन ध्यान देना। आपको बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट चीफ ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। 21 जनवरी 2030 को किसको अपॉइंट किया गया आपका डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सिविल एविएशन का? विक्रम देव दत्त, विक्रम देव दत्त। विकास पुरोहित, थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, प्रीवियस नहीं पूछे हैं, रीसेंट पूछे हैं, 2023 का पूछे हैं, विक्रम देव दत्त। अगला, मैम इनमें से किस प्रकार के मनी को फियाट मनी ऑफ नहीं बुलाते हैं? किस प्रकार के को, जल्दी बताओ फटाफट तरीके से। डिमांड ड्राफ्ट है, अच्छा
भैया फैट मनी वो मनी बोलती है उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती करेंसी, लेकिन वो कॉमोडिटी के द्वारा बैक्ड अप नहीं होती है। जैसे फैट मनी सेंट्रल बैंक को क्या देती है, एक ग्रेटर कंट्रोल देती है कंट्री को मैनेज करने के लिए। हम क्यों बोलते हैं किसी, अच्छा अभी एक रिसेंट एग्जांपल आया था फॉरेस्ट रिजर्व का लेके, तो हमने हमारे यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारी हालत पाकिस्तान की जैसी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर फॉरेस्ट रिजर्व है, हमारे पास प्रॉपर गोल्ड जो है हमारे पास प्रॉपर है। नितिन गडकरी साहब भी कह रहे थे मेरे पास बहुत पैसा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सड़क बनाएंगे, बहुत परियोजनाएं बनाएंगे। तो आप इसको कॉमोडिटी मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने क्या कहा पेपर मनी थोड़ी मैं कह रही हूँ इसको, मैंने क्या बात करी, मैंने गोल्ड के बारे में कहा जिसको तुम RBI सेंट्रल बैंक जो इसको एज अ यूज कर सकती है कंट्रोल गेन करने के लिए इकोनॉमी के ऊपर। मनी हाइस्ट में देखते हो लास्ट में क्या करता है, गोल्ड अगर चुरा लेगा तो भाई कंट्री डूब जाएगी। लेकिन क्या बोलता है प्रोफेसर कि नीतियों के खिलाफ नहीं जाना, गोल्ड चोरी नहीं करना है, खुद छापना है, खुद पैसे लेके आना है, लेकिन गोल्ड नहीं चुराना है, गोल्ड चुराने की दिक्कत हो जाएगा। याद है प्रोफेसर की बात को, गजब करते हो यार तुम लोग, ध्यान दो। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर CPI जिसे तुम बोलते हो, इसे आप कैलकुलेट करते हैं कंट्री के किस चीज से कैलकुलेट करते हैं। अभी टमाटर 200 रुपये किलो हो चुका है, शक्कर भी मुझे लगता है वही 60-70-80 कुछ ऐसा पहुंच चुका है। आज ही मैंने सुना मामा बता रही थी काफ़ी महंगा हो गया है, इतना मैंने आज मंगवाया, आज इतना इतना हुआ, तो मैंने कहा अच्छा कैसे पता चल रहा है भाई, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा मुद्रा स्फ्रति, क्या हुआ मैम रिटेल इन्फ्लेशन। तुम्हें लग रहा होगा अभी मान लो सपोज ये पेन जो है, ये पेन तुम्हारा 5 रुपए का पहले आता था, आज इसकी प्राइस कितनी हो गई, गिव मी अ सेकंड गाइस, हेलो, आपको तो वैसे भी याद ही रहते हैं। हिट स्टोरी आवाज आ रही है सभी को, वॉइस आ रही है क्या, वॉइस आ रही है सभी को, यस मैंने तो म्यूट किया था, मैंने इसे चेक करने के लिए पूछा तुम लोगों से, म्यूट नहीं हुआ था क्या, ठीक है हटाओ हटाओ बातों को, ध्यान दो आगे। अगले सवाल की तरफ आते, यार ये बड़ा अजीब माइक है यार, इसने एक लाइट जली एक लाइट बंद, मैंने म्यूट किया था इसको। एन इंक्रीज इन द GDP ऑफ एन इकोनॉमी इज एन इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ जल्दी से। अगर मैंने बोला, अरे नहीं यार मैंने म्यूट किया था एक्चुअली, ये देखो लाइट क्या हो रही है ना, आज ब्लिंक कर रही है लाइट, तुम लोग को दिख रही है इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, तो मुझे ना समझ नहीं आया, मैंने एक बार म्यूट किया मुझे लगा ये म्यूट हो गया, चलो ठीक है कोई ना जाने दो। एन इंक्रीज इन द GDP ऑफ एन इकॉनमी इंडिकेट करता है क्या, इंक्रीज करता कितनी सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि, कि इकॉनमी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या बताएगा इकॉनमी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी, राइट, डन। चलो भाई ठीक है आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन, वेयर इज द वाइल्ड लास्ट, आपका सेंचुरी जो है ये आपका स्थित है, फटाफट तरीके से बताइए ना कहाँ पे गिर तुम्हारा कहाँ पे सिचुएटेड है, गिर जो है ये तुम्हारा कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हूम, फटाफट तरीके से एक टाइम पीरियड पर जिनका वो क्लिप आपको याद होगा शॉर्ट खोल के वो जो बड़ा फेमस हुआ था दादा, फेमसली नोन एज दादा। पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो तुम लोग, थप्पड़ मारोगे मैं खींच के अभी, क्या बोला मैम, सौरभ गांगुली, नेक्स्ट वन,
What is the revamped and renamed version of National Action Plan for Senior Citizen? क्या नाम है उसका, जल्दी से बताना ज़रा. राष्ट्रीय वयोश्री योजना नहीं, ये अटल योजना थी, अटल वयो अभ्युदय योजना. क्या योजना लाई गई थी, किस नाम पे लाई गई थी, अटल वयो अभ्युदय योजना. अच्छा, क्या इसके तहत सीनियर सिटीजन को, क्या इसके तहत सीनियर सिटीजन को हम पेंशन दे सकते हैं, हाँ या ना. अरे मैं तुम लोग को कह रही थी, तुम लोग को मैं याद नहीं करती या फिर याद नहीं आती, जब पता नहीं क्या था वो, वॉट एवर, मैं तुम लोग को बोल रही थी. यस मैम, यस मैम, यस मैम. हाँ तो फिर भूले कैसे. विटामिन सी की डिफिशियंसी होने की वजह से क्या होता है, क्लास में करवाया था ये क्वेश्चन. क्या बोला, नेक्स्ट वन. बिस्मिल्ला खान किस चीज से जुड़े हुए हैं आपके. शादी हो और शहनाई ना बाजे, ऐसा हो नहीं सकता है. शादी हो और शहनाई ना बाजे, ऐसा हो नहीं सकता है. क्या बोला हमने, शहनाई. तो आज मुझे लगता है दो सवाल आ गए आपके, एक तो आपका सरोद से जुड़ा हुआ आ गया और एक आपका शहनाई से जुड़ा हुआ आ गया. दो सवाल तो हो गए आपके. सुगी, सुगी जो भारत का सबसे ज्यादा फेमस नृत्य है, किस जगह का फेमस नृत्य है ये. जल्दी 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 जल्दी. कर्नाटका. कहां बोला हमने, कर्नाटका, राइट, कर्नाटका. गिद्दा कहां का नृत्य है गाइस, फटाफट तरीके से. गिद्दा कहां का नृत्य है, गिद्दा और गिद्दा गिद्दा गिद्दा, फटाफट. पंजाब का नृत्य है, ठीक है. राउफ जम्मू कश्मीर का नृत्य है. कुनबी जो है, कुनबी कहाँ का डांस फॉर्म है, कुनबी कहाँ का डांस फॉर्म है, कुनबी कहाँ का डांस फॉर्म है. तुम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में, कितने फास्ट जवाब देते हैं ये लोग. मेरा बोलना खत्म होता नहीं, इनका जवाब जो है पहले आ जाता है. कुनबी, गोवा, 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 फुगड़ी, कुनबी. अगला, इनमें से कौन सा सोशल रिलीजियस कम्युनिटी जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया था, ये भी हम क्लास में बहुत बार करवा चुके हैं, मुझे लगता है अनगिनत बार हम करवा चुके हैं. हम बात कर रहे हैं ब्रह्मो समाज के बारे में. राजा राम मोहन रॉय को आप जानते हैं सती प्रथा, किसके लिए आप जानते हैं, सती प्रथा के लिए आप जानते हैं. वैसे तो उन्होंने और भी बहुत कुछ किया समाज में, जितने भी सोशल ईविल्स थे उन सोशल ईविल्स को हटाने के लिए काम किया. हम बात करें किसके बारे में मैम, सती प्रथा. खैर ध्यान दो. अब ये भी पूछ रहा था कि ये अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको करते हैं चूज. राजा राम मोहन रॉय अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे चूज करते हैं. देवेंद्रनाथ टैगोर. क्या बोला, देवेंद्रनाथ यानी डीएन टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ओके. प्रार्थना समाज बताइए किसके द्वारा लाया गया था, ये तो एमटीएस का भी पूछा गया था आपसे लास्ट ईयर, प्रार्थना समाज का. लेकिन हाँ, ब्रह्मो समाज रिपीट कर दिया है सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, हर जगह पर रिपीट किया गया है. पांडुरंग 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 पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, गुड गुड गुड, ओके. अकाली दल किसके द्वारा, और ये नारा किसने दिया था, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था, वेदों की तरफ लौट चलो, बैक टू वेदास, ये नारा किसने दिया था, किसके फाउंडर रहे थे वो, जिन्होंने ये नारा दिया था वो किसके फाउंडर रहे थे. दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती. चलो आगे बढ़ते हैं. अरे भैया, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा, इसका इतना बुरा बेटा था. मतलब बेटा तो अच्छा था, फिलॉसफी में बहुत अच्छा था पढ़ने में, पढ़े लिखे सुल्तानों में से एक था, या कह सकते हो बहुत रेयर सुल्तानों में से था जो बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, फिलॉसफी काफ़ी अच्छी थी उसकी.
इस सुल्तान को हम जानते थे विप्रतों के सरदार के नाम से, लेकिन तुम लोग और हम सब इस सुल्तान से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। क्यों पता है? इसकी किस्मत को लेके। इस बेचारी की किस्मत में जो भी फैसला लेता था हमेशा उसका उल्टा होता था। मुझे लगता है हम लोग आज सब 2023 में इस फुटिंग पर हैं कि हमारे सारे फैसले गलत होते हैं। मेरे तो भैया होने लगे हैं, मेरे तो मतलब मुझे सच में समझ में आ रहा है कि मेरे सारे फैसले गलत होने लगे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, क्या बोला मैम? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था मोहम्मद बिन तुगलक? किंग ऑफ अपोजिट। कोई भी फैसला लेता था गलत हो जाता था। और उसके बाद घियासुद्दीन तुगलक के लिए इसने एक मनाने के लिए, एक त्यौहार कह लो या फिर जश्न मनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया था, दरबार लगाया था जब घियासुद्दीन तुगलक युद्ध जीत के आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली उस जो बनाई गई लकड़ी का महल था जिसमें जश्न हो रहा था, उसमें एक पागल हाथी घुस जाता है और उसमें दबके घियासुद्दीन तुगलक मर जाता है। तो जश्न मनाते मनाते मर जाता है। उसके बाद बैठेगा मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इसे, कई लोगों ने पागल राजा बुलाया। करेंसी इसने छापी तो नकली करेंसी चल गई, है ना? यस यस यस। चलो भाई आगे देख लेते हैं। कौन से रिवर जो है ये लार्जेस्ट है, पेनिनसुलर है भारत की, और किसकी लार्जेस्ट रिवर है? उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर है। अब बताओ कौन सी है ये महानदी? हीराकुंड बांध किसके ऊपर है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम किसके ऊपर है? महानदी, राइट? महानदी रिवर। गोदावरी क्या बुलाते हैं? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा? क्या बोलते हैं गोदावरी को? दक्षिण की गंगा बुलाते हैं या वृद्ध गंगा बुलाते हैं या दोनों बुलाते हैं? फटाफट तरीके से जवाब देना। हे भगवान, आप लोगों को दो चीजें समझने की जरूरत। दक्षिण की गंगा डिफरेंट है और दक्षिण गंगा जो है ये डिफरेंट है। क्या बोला हमने? दक्षिण की गंगा डिफरेंट है और दक्षिण गंगा डिफरेंट है। दक्षिण गंगा और इसको क्या बुलाते हैं आपको? वृद्ध गंगा। नेक्स्ट वन, साइज की वजह से इसको बोलते हैं वृद्ध गंगा भी इसको बुलाते हैं। ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है राज्यसभा के बारे में? चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, ये रिमूव किए जाते हैं ऑफिस से ओनली इफ इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर वीपी की पोजीशन पे वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा की चेयरमैन के एक्स ऑफिशियल की पोजीशन पे भी नहीं होंगे। क्वाइट कॉमन, डन। ये मेंबर नहीं होते हैं हाउस के, सही बात है। चेयरमैन जो है ये डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल, गलत। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस। अरे यार, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड, हाँ सही है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है? जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। जॉइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करते हैं? लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। क्यों? द रीजन वाई, क्योंकि स्पीकर क्या है? स्पीकर आपके मेंबर हैं। स्पीकर क्या है? हाउस के मेंबर हैं। जबकि वीपी क्या होते हैं? हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन था, सिंपल है। कितनी बार क्लास से पढ़ाया है कि मनी बिल की पावर आर्टिकल 110 के अंतर्गत लोकसभा के पास है। मनी बिल की पावर, हाँ मनी बिल की पावर जो है वो किसके पास हो जाएगी? मनी बिल की पावर हो जाएगी आपकी लोकसभा के पास, अमेंडमेंट करना से लेके हर एक चीज, क्योंकि पैसा बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, मनी बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया। और लोगों के द्वारा चूज किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठे हैं? लोकसभा में बैठे हैं। तो ऑटोमेटिकली कहाँ मामला चला जाएगा? लोकसभा में चला जाएगा। राज्यसभा को तो 14 दिन ज्यादा ये बिल रख भी नहीं सकती है। और मनी बिल में कंप्लीट तरीके से जो पावर होती है ना कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने की पावर स्पीकर के पास होती है। किसके पास? स्पीकर के पास होती है। हाय रब्बा, मैम ने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस करवा दिए, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस करवा दिए। मैं इतनी जल्दी जल्दी समझाते समझाते बिना ब्रेक लिए चलो भाई ठीक है, क्लास समझ में आई प्रॉपर तरीके से? क्वेश्चन कंप्लीट लगा कि मैम सेशन अटेंड कर लेना चाहिए था हमें?
सारे आई ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी, यार हम लोग चार क्लासेस, तीन क्लासेस होती है हमारी दिन भर में, है ना। अब तीन क्लासेस में ऑब्वियसली बात है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, तो हम बना लेंगे ना, क्या दिक्कत है। उसके साथ ही गाइज, आप लोग जिनको बैचेस परचेस करने हैं, न्यू बैचेस आप लोग की आ चुकी है, नेक्स्ट CHSL की बैच, नेक्स्ट CGL की बैचेस जो है वो आप लोगों की आ चुकी है, पेड बैच आप लोग के आ चुके हैं, 250-300 आपको बैच मिल जाता है। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास ले रहे हैं देन यू हैव टू यूज़ व्हाट, दिव्या पास। क्या यूज़ करना है? दिव्या पास, जब आप ले रहे हो टेक्स्ट बुक का पास ले रहे हो तो दिस कूपन कोड विल गोना वर्क। ओके, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह के 8 बजे वाले सेशन में, तो बी रेडी, सुबह मिलेंगे आप लोगों से 8 AM पे लूसेंट किरण और स्टैटिक जीके के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।